हाय, मेरा नाम है शहनाज। टुडे इन दिस वीडियो हम शेयर करने वाले हैं लोकमान्य हया तेल, जो कि है क्या चीज़, एक्चुअल में करता क्या है और करता भी है या नहीं। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। काफ़ी जगहों पे ये तेल मिलता भी नहीं है और काफ़ी जगहों पे आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपके एरिया में मिलता हो तो फिर आप लेके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जलने, कटने, चोट, मोच, दर्द, सूजन, जख्म, बवासीर, मालिश आदि में गुणकारी। तो मतलब मालिश में इसका क्या बेनिफिट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम पड़ गया है कि जलने पर, कटने पर या कोई ज़ख्म पर अगर हम इसे लगाएं तो उसको ज़रूर हील करता है। अब बात करते हैं कि क्या ये मैंने यूज़ किया है। तो स्क्रीन पे मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर देती हूँ। तो ये फ़ोटो है मेरी मॉम का, उनका हाथ दाल की वजह से, गरम दाल गिरने की वजह से जल गया था। तो मेरी माँ ने ये तेल लगाया और इसे कंटिन्यू कम से कम 1 मंथ तो लगाया, एटलीस्ट 1 मंथ, और डेली उसे 4, 5, 6, 7 बार लगाती थी ये तेल। और उसके बाद मेरी मॉम का हैंड कुछ इस तरीके का हो गया। तो कंपेयर करें इससे ये, तो ये तेल ज़रूर इफ़ेक्टिव है। और स्ट्रेच मार्क की बात करें तो इससे अगर आप लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्योंकि हम जैसे हैंड तो हम खुला ही रख सकते हैं, लेकिन स्टमक तो हम 24 घंटा खुला नहीं रख सकते ना, तो वो कपड़े की वजह से वो वाइप हो जाता है, मतलब जो हमने कपड़े पहने होते हैं वाइप हो जाता है। लेकिन आप अगर इसे 4-5 महीने तक यूज़ करते हैं अपने स्टमक पे सुबह और शाम, नहाने के बाद और सोने के पहले, तो डेफिनेटली उससे जो आपके स्ट्रेच मार्क है वो लाइट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। पूरे ख़त्म होंगे नहीं होंगे इसका दावा नहीं है, लेकिन लाइट ज़रूर हो जाएगी इससे आपके स्ट्रेच मार्क भी। और बाकी जो इस पे मेंशन किया है उन सारी चीज़ों का पता नहीं, लेकिन चोट लगने पर, जलने पर, कटने पर, उस पे ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें इसमें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसका ज़रा भी कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इस पे कोई भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किया है। इस पे मेंशन सिर्फ यही चीज़ की है कि हाँ, ये देख, फॉर्मूला इज 100 ml कंटेंट्स, गूगल करके कुछ है, कॉमीफोरा मुकुल, तिल ऑयल, तिल ऑयल जो सिसमें ऑयल होता है ना, वही चीज़, बस यही चीज़ मेंशन की है। और कुछ खास इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है या कुछ ऐसी जड़ी बूटी या कुछ भी हर्ब्स है, तो वो ऐसा कुछ भी मेंशन इसमें नहीं किया है दूर दूर तक। अगर इसके अंदर जो चिट है आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। इसमें ये भी आता है कि इससे क्या क्या हुआ है और क्या क्या होता है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट बोलना चाहेंगे तो अभी तक तो मैंने इसे यूज़ करने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। इतना बड़ा उसका पैम्पलेट आ जाता है, अंदर भी है बहुत बड़ा, तो आप इसे पूरा जान भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके जला गया है या कट गया है स्किन, तो उसके लिए आप एक छोटा वाला भी अपने घर में रख लो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वर्क करता है। और आपको मेन चीज़ जो जल गया है उसका दाग धब्बा नहीं रहना देता है। इसके साथ ये वाली चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी, जो जिससे हम इजीली निकाल सकते हैं, इसे डायरेक्ट हम लोग ओपन करके ही निकालना पड़ेगा, और बड़े वाले के साथ वो मिलेगा। तो ये जो छोटा वाला है वो 25 ml है, और जो बड़ा वाला है, और जो बड़ा वाला है वो 100 ml है। तो 100 ml के साथ आपको ये भी मिल जाएगा कैप एक, ताकि इजीली निकल जाए और पूरा ना निकले, बट छोटे वाले के साथ ऐसा नहीं है। तो ये जो 100 ml का है ये आपको कुछ करीबन मिलता है 120 रुपये का। तो ये था लोकमान्य हयात तेल का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।